सो है गाइस, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर आज हम उड़ाने वाले हैं RGS टूल की मदद से इस बड़े से एरोप्लेन को। लेकिन आखिर वो सीक्रेट चीट कोड कौन सा है, चलिए बताता हूँ। सो है यार, आज मैं जाने वाला हूँ मोटू पतलू के शहर में, और इसीलिए मुझे एक इम्पोर्टेंट फ्लाइट भी पकड़नी है जो अभी कुछ ही देर बाद है। तो चलो जल्दी से एयरपोर्ट पे चलते हैं। हाँ तो ये रही मेरी दो बाइक। अबे यार, मेरी निंजा H2R को किसी ने गिरा दिया है। तो चलो जल्दी से इसे उठाते हैं और पहुंचते हैं हमारे एयरपोर्ट पे। और गाइज वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटू पतलू के शहर में कितने कमाल के घर हैं। और आज मैं वहाँ पर आपको इंस्पेक्टर चिंगम से भी मिलाऊंगा। तो फाइनली गाइज हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। लेकिन यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, जिस एरोप्लेन से मैं जाने वाला था उसमें तो आग लग चुकी है। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े से एरोप्लेन में कैसे लग गई, और यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। यार कुछ देर बाद ही मेरी ये फ्लाइट थी, अब मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन यार मुझे वहाँ जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ भी करके वहाँ पे जाना ही होगा। एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे तो काफी बड़े बड़े एरोप्लेन है। मैंने सुना है इस न्यू अपडेट के अंदर हम इस एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं, तो देर किस बात की, चलो इसके अंदर बैठ के एक बार चेक करते हैं। ओह नो यार, इसके अंदर तो बैठने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो एक बार RGS टूल के अंदर ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर लिख दिया बिग एरोप्लेन, और जैसे मैंने राइट पे क्लिक किया, ओह नो यार, ये वाला एरोप्लेन तो काफी टाइम से डैमेज है और इसकी सर्विसिंग में लगभग 6-7 दिन लग जाएंगे। लेकिन गाइज मेरा फ्लाइट तो लगभग 1-1.5 घंटे ही बाद है। चलो गाइज इसके ओनर से पूछते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या गड़बड़ी है। तो इस प्लेन का ओनर है राहुल, तो चलो उसके ऊपर मिस कॉल करते हैं। फाइनली गाइज हमने उस पे मिस कॉल कर दिया है, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि गाइज अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई तो उसे मैं भी ठीक कर सकता हूँ। एक सेकेंड गाइज, ये रहा इलेक्ट्रिक बॉक्स, इसके अंदर भी गड़बड़ी हो सकती है, और मैंने न्यूज में भी देखा था कि इसकी गड़बड़ी की वजह से काफी सारे एरोप्लेन नहीं उड़ पाते हैं। लगता है गाइज एरोप्लेन के ओनर का मैसेज आ गया है। अरे ये क्या लिखा हुआ है, डैमेज्ड इलेक्ट्रिक बॉक्स। ओ यार, मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, ये जो फ्लाइट का इलेक्ट्रिक बॉक्स है इसी के अंदर गड़बड़ी है, और मुझे कैसे भी करके इस बड़े से बॉक्स को एक्सचेंज करना होगा। लेकिन यार ऐसा एरोप्लेन का बॉक्स मैंने तो कहीं पे देखा था। ओ गाइज, मैंने ऐसा बॉक्स तो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था, और उसी एक सिंगल बॉक्स से पूरा कंस्ट्रक्शन साइट चलता है। मुझे कैसे भी करके उस बॉक्स को यहाँ पे ला के बदलना होगा, और अगर मैंने एक बार इसे बदल दिया तो ये दोनों एरोप्लेन फिर से चलने लगेंगे। तो चलो यार जल्दी से हम अपने बाइक को उठाते हैं और चलते हैं उस कंस्ट्रक्शन एरिया में। वैसे यार वहाँ पर जितने भी लाइट्स और क्रेन चलते हैं वो सारे इसी इलेक्ट्रिक बॉक्स से चलते हैं। इससे आप सोच सकते हो कि वो इलेक्ट्रिक बॉक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। और यार आज कुछ भी हो जाए मैं इस बड़े से एरोप्लेन को उड़ा के ही रहूंगा। इससे पहले भी मैंने इसको एक बार उड़ाया था, लेकिन वो 1 मिनट में ही खराब हो गया था, और उस टाइम भी इसी इलेक्ट्रिक बॉक्स के अंदर एक स्पार्क हुआ था, और इसके अंदर इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी कि पूरा सिस्टम ही खराब हो गया था। लेकिन गाइज अगर मैंने आज इसको पूरी तरीके से बदल दिया तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने कंस्ट्रक्शन एरिया पर, और यहाँ पे तो काफी सारे सामान रखे हुए हैं। लेकिन यार वो इलेक्ट्रिक बॉक्स आखिर है कहाँ पर। ओह यार, यहाँ पे ठीक वैसा ही बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये तो वही इलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसको मैंने एरोप्लेन वाले फ्लाइट पे देखा था, ये तो वही इलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसको मैंने एयरपोर्ट पे देखा था। लेकिन यार इतने बड़े बॉक्स को मैं अपने बाइक पे नहीं ले जा पाऊंगा, इसके लिए मुझे किसी बड़े से JCB या ट्रक की जरूरत होगी। तेरी गाइस यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है। चलो यार आज तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ी सी ट्रक मिल गई है, और अगर ये नहीं मिल पाता तो पता नहीं मैं इस बड़े से बॉक्स को कैसे ले जाता। सो गाइस फाइनली मैंने इस इलेक्ट्रिक बॉक्स को इस ट्रक के ऊपर रख दिया है, और अभी हम इसके अंदर जल्दी से बैठते हैं और इसे लेके चलते हैं उस एयरपोर्ट पे। सो वेट गाइस, फाइनली हमने इस इलेक्ट्रिक बॉक्स को यहाँ पे चेंज कर दिया है, और गाइस जैसे मैंने इसको चेंज किया यहाँ पे मेरे फोन में इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन भी आ चुका है। चलो जल्दी से इसके इंजन ऑन करते हैं। अरे यार फाइनली इसका इंजन भी ऑन हो चुका है, और इसके अंदर से आवाज भी आ रही है, और यहाँ तक मैं इसके हॉर्न वगैरह भी बजा पा रहा हूँ। लेकिन यार आखिर ये चल क्यों नहीं रही, यार इसके पंखे तो अभी तक हिल भी नहीं रहे हैं। यार ऐसा भी हो सकता है काफी टाइम से रखे रखे इसके पंखे में जंग लग गई हो, मुझे इसके बड़े बड़े पंखे चेंज करने होंगे। लेकिन गाइज मैं आखिर इतने बड़े बड़े पंखे आखिर लाऊंगा कहाँ से। वेट यार, मेरे फोन पे एक और मैसेज आया हुआ है, वैसे ये पिक्चर तो हमारे पुलिस स्टेशन का है, यानी गाइज जो इस बड़े से
एरोप्लेन के पंखे रखे हुए हैं वो इसी पुलिस स्टेशन के अंदर है। लेकिन गाइज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर पुलिस स्टेशन के इन पंखों का क्या काम, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा गर्मी की वजह से ये लोग पंखे ले गए हों। लेकिन यार कोई पागल ही होगा जो इस बड़े से एरोप्लेन के पंखे से हवे खाएगा। कोई नहीं, चलो पुलिस स्टेशन ही चलते हैं और वहीं पर हमें सब कुछ पता चलेगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने पुलिस स्टेशन के अंदर और पहले हमें गार्ड से पता करना होगा कि आखिर ये प्लेन का पंखा इनको मिला कहाँ पर। अरे गार्ड साहब, आपको प्लेन का पंखा कहाँ पे मिला? अरे ये प्लेन का पंखा पुलिस स्टेशन के सामने गिरा था। पुलिस स्टेशन के सामने, वो भी एरोप्लेन का पंखा? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो गाइज, हो सकता है कोई उड़ते हुए एरोप्लेन से पंखा खुल के नीचे गिर गया हो, लेकिन हमें क्या गाइज, चलो जल्दी से वो पंखा लेते हैं। सो फाइनली गाइज, इन्होंने पंखे देने का ऑर्डर दे दिया है और चलो जल्दी से वो पंखे लेके चलते हैं। वैसे यार ये जल्दी ही करना होगा क्योंकि कुछ ही घंटे बाद मेरा एरोप्लेन है। तो यार सच में देख सकते हो ये वाला एरोप्लेन का फैन काफी ज्यादा बड़ा है और अभी मुझे इन दोनों एरोप्लेन के पंखे को लेके एयरपोर्ट पे चलना होगा। फाइनली गाइज देख सकते हो मैंने दोनों पंखे अपने एरोप्लेन फाइनली गाइज देख सकते हो मैंने पंखे को अपने ट्रक के ऊपर रख लिया है और अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट। वैसे यार इतने बड़े बड़े पंखे देख के तो मेरा दिमाग चकरा रहा है, बट कोई नहीं, काफी टाइम के बाद फाइनली मैंने दोनों पंखे ही चेंज कर दिए हैं और फाइनली इसके बाद इस एरोप्लेन का सब कुछ काम करना शुरू हो गया है। लेकिन यार अभी भी ये एरोप्लेन चल क्यों नहीं रहा? यार मुझे तो लगता है जरूर कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर कोई चीज की कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर तेल ही खत्म हो गया हो। वेट गाइज, ओनर की तरफ से एक और मैसेज आया है, दिस एरोप्लेन इज 10 ईयर ओल्ड, प्लीज एक्सचेंज द फ्यूल टैंक। ओ गाइज, ये जो एरोप्लेन है वो 10 साल पुराना है और अभी जो है मुझे इस एरोप्लेन का फ्यूल टैंक को चेंज करना है और ये जो एरोप्लेन का फ्यूल टैंक है वो इसे रेलवे स्टेशन पे रखा है। ऑफ कोर्स गाइज, जब तक हम इसके अंदर फ्यूल नहीं भरेंगे ये गाड़ी चलेगा कैसे? तो सबसे पहले तो हमें रेलवे स्टेशन जाके उस बड़े से फ्यूल टैंक को लाना होगा और अगर एक बार जो है हमने उसे लगा दिया तो हम इसको बिल्कुल ही हेलीकॉप्टर की तरह हवे में उड़ा सकते हैं और इसके साथ हम इसके अंदर जितने चाहे उतने एमपीसीज को बैठा सकते हैं। वैसे गाइज, जब से 1 घंटे पहले ही ट्रेन वालों ने उस फ्यूल टैंक को वहाँ पे ला के रखा है, यानी 6-7 दिन के बाद ये एरोप्लेन ऐसे ही बनने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, 1.5 घंटे बाद मेरा एरोप्लेन है तो जल्दी से इसे लेके आते हैं और फिर हम इस एरोप्लेन से मोटू पतलू के सिटी में चलेंगे। फाइनली गाइज, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं भी एक एरोप्लेन मैकेनिक हूँ और मैंने अकेले इसके इलेक्ट्रिक बॉक्स और इसके अंदर पंखे भी लगाए हैं। सो फाइनली गाइज, हम रेलवे स्टेशन तो आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे कहीं भी फ्यूल टैंक नहीं दिख रहा। वैसे ये गाड़ी तो अभी आई है क्योंकि इसकी इंजन अभी भी स्टार्ट है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस रेलवे के उस साइड उस इंजन को उतारा गया हो। ओ यार, मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही है। देखो यहाँ पे तो काफी बड़े बड़े फ्यूल टैंक रखे गए हैं और अभी मुझे इस फ्यूल टैंक को अपने ट्रक के ऊपर रख के वहाँ पे एयरपोर्ट पे ले जाना होगा। सो अभी मैंने जेसीबी की हेल्प से फ्यूल टैंक को अपने ट्रक के ऊपर रख लिया है तो अभी मुझे धीरे धीरे एयरपोर्ट पे जाना होगा क्योंकि गलती से भी अगर ये नीचे गिर गया तो ये डैमेज हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर तेल गिरने लगे और अगर गलती से भी ये डैमेज हो गया तो इसको उड़ाने में 6-7 दिन और लग जाएंगे और जैसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो फाइनली गाइज, मैं आ चुका हूँ फिर से अपने एयरपोर्ट पे और इसके बाद हमें लगानी है बस ये इंजन जिसके बाद हमारा एयरप्लेन उड़ने लगेगा। सो फाइनली गाइज, केवल 10 मिनट में ही मैंने इसके इंजन को चेंज कर दिया है, यानी फ्यूल टैंक को चेंज कर दिया है। तो चलो जल्दी से नीचे उतर के इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर मैंने ऊपर ही स्टार्ट किया तो मैं भी इसके साथ आसमान में चला जाऊंगा और ऊपर से नीचे गिर के मेरी तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। सो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और देख सकते हो गाइज, फाइनली एरोप्लेन चलने लगा है और यार मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। अब तो मैं पक्का ही 1.5 घंटे में मोटू पतलू के सिटी में पहुंच जाऊंगा। वैसे गाइज, के आप भी चाहते हो इस बड़े से एरोप्लेन को उड़ाना तो कमेंट बॉक्स में बताओ और वैसे आगे आप इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर कौन कौन से अपडेट लाना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यारा सा नाम क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए बाय।